त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 के नौवें चरण में दरभंगा जिला के सिंहवाड़ा प्रखंड में चुनाव डाला गया। वहीं तमाम अभ्यर्थी एवं मतदाताओं ने अपनी अपनी कमर चुनाव को लेकर कस ली थी और वोटरों को अलग अलग तरीके से रिझाने में लगे हुए थे। ऐसे में हम आपको लेकर चल रहे हैं अरई बिरदीपुर पंचायत, जहां जनता ने दिखा दिया कि वोट में कितनी ताकत होती है। जी हां, वहां के पूर्व मुखिया लतीफुल रहमान की पत्नी अनवरी खातून ने 1743 वोट लाकर विजय प्राप्त की है। वहीं हमारे संवाददाता से बात करते हुए वर्तमान मुखिया अनवरी खातून के लड़का फूल बाबू ने बताया कि जो पंचायत में छूटा हुआ काम है उनको सबसे पहले पूर्ण करने का काम करूंगा। वहीं सरकारी योजनाओं को बिना कोई लाग लपेट के, अर्थात बिना कोई बिचौलिए का, धरातल पे उतारने का काम करूंगा एवं पूरे पंचायत में चौमुखी विकास कर अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाने का काम करूंगा। आगे उन्होंने हमारे संवाददाता से बात करते हुए क्या जानकारी दी, आइए हम आपको सुनाते हैं। ग्राम पंचायत अरई बिरदीपुर से जो विश्वास हमारे अम्मा पर जनता किया है, ठीक है, उस विश्वास को हम कायम रखेंगे, जमीन पे खड़े उतर कर जो है विकास करेंगे। आने वाले पंचवर्षीय में जो भी कार्य बाकी है, ठीक है, उसको संपूर्ण किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तारिक अनवर हुआ। जो हम लोग को जनार्दन दिया है, जनता बहुत अच्छा हम लोग को सहयोग किया, जिस उम्मीद से हम लोग खड़े उतरे थे, जिस चीज़ को मुखिया जी ने अपना बना के गए उस चीज़ को जनता ने जवाब दिया। यहाँ नेता एक तरफ था और जनता एक तरफ था। जनता विकास चाहती थी और नेता सब चाहता था विकास रुके, लेकिन जनता ने अपना दम दिखला दिया कि हमको विकास चाहिए। क्या नाम है आपका? सकिंदर पासवान। अब यह कहो कि जे हम अपना चुनाव पंचायतों समिति से लड़ ली और मुखियो जी के हम सपोर्ट कर लिया। की कारण रहा काहे अहाँ से मुखिया के सपोर्ट करिए? हमरा विकास चाहिए, दलाल के माने कि हम हटाबे के लिए चाहे छे कि दलाल नहीं रहते और जनता के बीच काम होना चाहिए। की नाम है यहाँ के? वासदेव पासवान। देखिए, जनता सर्वोपरि है, जनता विश्वास हम पर जताया है और जनता का विश्वास हम पर हुआ है। जनता ने मुझे वोट दे के जिताया है, मैं भी खुश हूँ, जनता भी खुश है। मेरे गांव में बहुत सारे लोग जो पराजित हुए हैं, कहीं किसी तरह को गाली लोग बोल रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मैं उन लोगों को भी सूचना दे दूँ कि भाई हार जीत होता ही है, इलेक्शन है तो कोई हारता है तो कोई जीतता है, ये नहीं सब अगर जीत जाता तो फिर हार जीत का मामला कहाँ से। इसीलिए हम चाहते हैं कि मेरे गाँव में हार जीत जो हारे वो भी मेरे आदमी थे, जो जीते वो भी मैं, हम भी जीते तो हम भी हैं, और सब लोग मिलजुल के अपना काम धंधा करें, किसी तरह का कोई गांव में विवाद नहीं करे, शांति बनाए रखें ताकि गांव में किसी तरह का अफवाह फैलाने वाले आदमी से व्यक्ति से लोग बचे और आपस में मिलजुल के रहें। इलेक्शन जो है हार जीत का चीज़ है, तो इलेक्शन अगर हार जीत नहीं होता तो इलेक्शन किस लिए होता। इसीलिए मैं सारे मतदाता जो वोटर भाई हैं हमारे, जो लोग दिए या अथवा नहीं दिए, हम जीत गए, हम सारे लोगों का, हमसे जहाँ तक बन पड़ेगा, जहाँ तक जो काम आएगा, सरकार का जो कार्यकलाप है, जो काम है, जो हम सारे गांव में सारे लोगों को सामने रखेंगे और काम करेंगे, तन मन धन से करेंगे, किसी तरह से किसी को दिक्कत नहीं पहुंचाएंगे। विश्वास पर जताया, हम विश्वास से काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ आफ्ताब आलम। 9 नंबर वार्ड से, वार्ड सदस्य का काम, वार्ड सदस्य में हमारी जीत हुई है लगभग 82 वोट से। क्या प्राथमिकता रहेगी इस बार? मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मेरे वार्ड में लगभग 10 सालों से कोई काम नहीं हुआ है, उसको यानी करने का कोशिश करेंगे। कहाँ से शुरुआत करेंगे, ऐसा कौन सा मुद्दा है जो आप सबसे प्रथम में उसको करना चाहेंगे? आप प्रथम काम मेरा यही रहेगा कि मेरे वार्ड में नाला की समस्या है, रोड की भी समस्या है बहुत बड़ा, यानी कि पिछले रीजन में रोड बना वो रोड जर्जर हालत में। हमारे वार्ड में बहुत सारे का वृद्धा पेंशन में नाम नहीं है, बहुत सारे लोगों का इंदिरावास नहीं मिला है, इस तरह का लोगों का बहुत बाकी है, इन लोगों को दिलवाने का काम किया जाएगा। मतदाता तो सलाखों पे रखा है हमें और वोट दे के जिताया है, उनका बहुत बड़ा शुक्रिया, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खलीकुज्जमान उर्फ अंजुम।